सदियों से आप सभी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, पूर्व सांसद केएच मुनियप्पा जी, हमारे एमएलसी कर्नाटका के अनिल कुमार जी, सांसद अहमद जी, पूर्व मंत्री, आप सबका धन्यवाद कि आज इस विशाल सभा में आप लोग आए। आज की सभा के दो उद्देश्य, पहला उद्देश्य है राहुल गांधी जी की ऐतिहासिक पदयात्रा भारत जोड़ो यात्रा। सपने में भी कोई नेता नहीं सोच सकता कि मैं 500 किलोमीटर चलूं, और हकीकत में हम सब के नेता 3570 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं। उनको भी कई लोगों ने कहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह रथ यात्रा निकालो, किसी ने कहा ट्रेन में चले जाओ, किसी ने कहा बस में बैठते हुए चले जाओ, परंतु उन्होंने कहा कि मैं लोगों के बीच में चलना चाहता हूं, लोगों के साथ चलना चाहता हूं। और हिम्मत चाहिए, 3570 किलोमीटर चलने के लिए हिम्मत चाहिए, और देश के प्रति जुनून और प्यार भी चाहिए। हम सबको यह जानना होगा राहुल गांधी जी क्यों चल रहे हैं, वो इस यात्रा से क्या हासिल करना चाहते हैं। इस यात्रा के मोटे मोटे तीन उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य, आज यहां कई महिलाएं बैठी हैं जो घर को चलाती हैं, इनसे पूछो जब साहब सांसद थे, मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी तो सिलेंडर का रेट क्या था, याद है आपको कांग्रेस के समय सिलेंडर का क्या रेट होता था? 370 ₹400 सिलेंडर का रेट था कांग्रेस के समय में। और उस समय भारतीय जनता पार्टी कहीं नेता है सिलेंडर लेके पहुंच जाती थी इंडिया गेट पे कि ₹400 का सिलेंडर महंगा है। आज सिलेंडर का क्या रेट है? ₹1100। उन बड़े बड़े लोगों को ₹400 का सिलेंडर महंगा लगता था, वो 1100 के सिलेंडर में कुछ बोलते नहीं। पेट्रोल डीजल क्या रेट है? ₹100। रिफाइंड ऑयल का क्या रेट है? ₹200। हमारे टाइम पे था, कभी भी नहीं था। मोदी जी ने वादा किया 2012-2013 पूरे देश में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, आज 8 साल हो गए, 15 लाख तो भूल जाओ, जो जेब में ₹500 पड़े थे वो भी वो लेके चले गए। बच्चे को टॉफी दिलाओ जीएसटी, आटा खरीदो जीएसटी, प्लेन की टिकट बुक कराओ जीएसटी, गलती से टिकट कैंसिल करानी पड़ेगी जीएसटी। अब तो केवल सांस लेने पे जीएसटी नहीं रही, और जिस तरीके से सरकार चल रही है आने वाले समय में सांस लेने में भी आप लोग जीएसटी दोगे, बात बात में जीएसटी लगाती। और जीएसटी से क्या होता है, मोदी जी का बड़ा बड़ा प्ले, बेफजूल का सेंट्रल विस्तार का प्रोजेक्ट, और जो शोषित वर्ग है उनकी हालत खराब। हमारी वर्तमान में अगर हम हालत देखें, आइए भाई साहब, बेरोजगारी आपके आसपास यूथ इस कमरे में भी बैठे, पूछे क्या सरकारी रोजगार मिला? मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार।
पुरस्कार दूंगा। कितने? 8 साल में कितने हो गए? 16 करोड़। 16 करोड़ रोजगार का वादा था सरकार का। रोजगार तो छोड़ो, पीएसआई के नाम पे स्कैम कर्नाटका में है, 40% करप्शन का स्कैम कर्नाटका में है, कोविड के बीच में स्कैम कर्नाटका में है। बात जोजा तो नाम चाहिए बैंगलोर के अंदर जाने के लिए। युवाओं की रोजगार की कोई बात नहीं करता, युवा परेशान है, उनसे झूठ बोला जाता है, उनके वोट किए जाते हैं, परंतु जब उनको जॉब देने का काम आता है, रोजगार देने का काम आता है, तो सरकार चुप हो जाती है। तो पहला हो गया बेरोजगारी, महंगाई, और तीसरा सबसे अहम मुद्दा देश में फैलती नफरत। जब देश के लोग भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं। आप रोजगार की बात करोगे तो जाति की बात करेंगे, आप महंगाई की बात करोगे तो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, आप जब उनसे किसी काम की बात करोगे तो कहीं ना कहीं दूसरी बातें करना शुरू कर देते हैं। मीडिया पे दबाव रहता है, मीडिया सच नहीं लिख पाता, मीडिया सच लिखेगा तो ऐड देना बंद कर देगा, ऐड देने से भी डर के नहीं डरा मीडिया तो ईडी भेज देगा। किसी ना किसी तरीके से यह सरकार आपकी आवाज को दबाना चाहती है, और इन्हीं चीजों के खिलाफ में राहुल गांधी जी ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और यह हम सबको पता है 10 साल के यूपी के शासन में अगर राहुल जी को प्रधानमंत्री बनना होता, केंद्र मंत्री बनना होता, या किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना होता तो बन जाते। उनका उद्देश्य प्रधानमंत्री बनना नहीं है, उनका उद्देश्य हमारे देश को बचाना है। 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, और 2022 भारत जोड़ो आंदोलन। भाई भाई के साथ रहे, पड़ोसी पड़ोसी के साथ रहे, एक मोहल्ले में इकाई रहे, युवाओं को रोजगार मिले, 400 रुपए का सिलेंडर मिले, किसानों को सम्मान मिले। कहां ये बातें करती है सरकार? केवल और केवल प्रचार के माध्यम से बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है सरकार। जिस भी प्रदेश में चुनाव होता है 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, और पूछो तो कुछ नहीं आता, और जो थोड़ा बहुत आता है वो करप्शन में खत्म हो जाता है। कर्नाटका के अंदर हर एक विधानसभा को एक दिन की जिम्मेदारी हमारे बड़े नेताओं ने दी है। ये सब आपस में बैठे, इन्होंने कहा कि हर विधानसभा को एक दिन राहुल जी के साथ चलने के लिए देना चाहिए। उसी को लेकर आज की मीटिंग भी, कोलार विधानसभा को 9 अक्टूबर का दिन दिया है, और 2 जगह की जिम्मेदारी आपको दी थी। पहली है टुरवे करी और दूसरा है कोपी, जो यहां से मात्र 190 किलोमीटर दूर है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमने यहां से राहुल जी का स्वागत करना है, और उस रस्ते में राहुल जी के साथ हमारी विधानसभा के लोग चलेंगे। राहुल जी से हम कोशिश करें, यहां पे कोई अगर रिटायर्ड प्रभावशाली लोग हैं, कोई रिटायर्ड आदमी से है, कोई टीचर, उनको लेके जाइए, उनकी बात कराइए, साथ चलिए। और राहुल जी की खासियत है, समय के बहुत पक्के हैं, 9:15 बजे सुबह चलना शुरू कर देते और तेज चलते हैं। बीजेपी वाले तेज फेंकते हैं, हमारा नेता तेज चलता है, वो फेंकने में विश्वास करते हैं, चलने में विश्वास करते हैं। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे केपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा समय और समय से पहुंचिए ताकि आप लोग चल पाए, और उस समय की पूरी जिम्मेदारी उस दिन की आपकी विधानसभा की। भारत जोड़ो के साथ साथ मैं 2 मिनट और आपसे लूंगा। सर हमें कोशिश कर रहे हैं कि कोलार विधानसभा में कितने गांव होंगे अंदाजन? 210। हम सभी विधानसभाओं में, इससे पहले चिकमल्लापुर में, उससे पहले बैंगलोर रूरल में, हम सभी विधानसभाओं में कोशिश कर रहे हैं कि हर एक गांव में कांग्रेस परिवार व्हाट्सएप ग्रुप बनाए।
ताकि कल को मुनियप्पा साहब, केपीसीसी के अध्यक्ष सिद्धारमैया जी या दिल्ली से राहुल जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, कोई भी मैसेज कांग्रेस के लोगों तक पहुंचाना चाहे तो सोसाइटी, तो अपना सोशल मीडिया के माध्यम से वो मैसेज लोगों तक पहुंचे। हमारी कोशिश रहे कि हर एक गांव के अंदर एक कांग्रेस परिवार का व्हाट्सएप ग्रुप हो। दूसरी चीज, कई ऐसे परिवार हैं जिनके बाप दादा कांग्रेस के प्रोग्रामों में आया करते थे, परंतु किसी कारण से हो सकता है बेटे ने आना बंद कर दिया, बेटी ने आना बंद कर दिया। तो हमारी कोशिश रहे कि उन परिवारों को हम चिन्हित करें और उनके घर जाके उनसे मुलाकात करें, उनसे बात करें। जरूरत पड़े तो ब्लॉक प्रेसिडेंट को, हमारे यहाँ से एमएलसी है उनको, हमारे यहाँ से जो एमएलए कैंडिडेट रहे वो बहुत सीनियर, तो मुनियप्पा साहब कोशिश करें कि वो परिवार फिर से आना शुरू करे। कई बार लोग इसलिए भी नहीं आते कि उन तक मैसेज ही नहीं पहुंचता। तो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हम करें ताकि आने वाले 6 महीने के बाद जब हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव हो तो कोलार सीट पे कांग्रेस का परचम ले रहा है। तो मैं बहुत सिंपल आंकड़े आपको बताना चाहता हूं कि हम 6 महीने कांग्रेस पार्टी को दे और 60 महीने की सरकार में कांग्रेस पार्टी से काम ले, बहुत आसान है। मैं भी आज दिल्ली से आता हूं, मैं हफ्ते में 4 या 5 दिन बैंगलोर डिवीजन में लगाता हूं, कोशिश करता हूं कि एक एक विधानसभा तक जाऊं। वो खुशी की बात है 47 में से 40 या 41 विधानसभा में मैं जा भी चुका हूं। एनएसओ से निकल के आया हूं, दिल्ली में भी सर के आशीर्वाद से चुनाव लड़ा, जीता विपक्ष का नेता। परंतु एक चीज बहुत साफ, जितने लोगों से मिलेंगे, जितने घरों तक जाएंगे, उतनी कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। एक प्रोग्राम बनाए कि हर एक दरवाजे तक कांग्रेस पार्टी जाए, लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को सुने, वो समस्याओं का समाधान हम कैसे करेंगे उस पर भी चर्चा करें। बट फिलहाल मेरी हम सबसे विनती है, गुजारिश है कि भारत जोड़ो यात्रा को कर्नाटका में सबसे ज्यादा दिन मिले हैं और उसका फायदा भी कर्नाटका के लोगों को भी होगा। हम सब यहां से समय पर निकले, समय पर पहुंचे, राहुल जी के साथ चले। और मेरी रिक्वेस्ट है कि सर अगर एक हम एडवांस टीम को, यानी कि 4-5 दिन पहले एक टीम वो जगह लेके आ जाए, होर्डिंग कहां लगेंगे, पोस्टर कहां लगेंगे, उनको कहां से ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि उस दिन हम परेशान ना हो। एक टीम आप मुकर्रर करके पहले से भेज दे, वो टीम पूरा घूम के आ जाए, रेकी करके आ जाए, देख के आ जाए रूम, ताकि जब हम यहां से जाए तो हमें परेशानी ना हो। उत्साह के साथ सब लोग जाए, एक दिन चलना यहाँ के लिए जरूरी है, उसके अलावा कितने भी दिन चलते रहे वो आपके ऊपर है। परंतु 9 अक्टूबर का दिन कोलार विधानसभा के लोग सभी राहुल जी के साथ चले, भारी संख्या में चले और इस यात्रा को हम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए।